एमएसपी पे उन्होंने लिखित में दिया ना कि भाई एमएसपी पे अब जो कमेटी बनी है उसमें एमएसपी का भी मुद्दा उठेगा और वो लिखित में है, उसको भी पीछे नहीं रखा जाने का। लेकिन ये है कि जैसे अब इतना टाइम हो चुका था आंदोलन को, हर तरह की सिचुएशन आ ली, इतनी चीज़ किसानों ने झेली है, तो उस चीज़ को देखते हुए इसलिए स्थगित करा गया और फिर सरकार बातचीत करने के लिए भी तैयार हो चुकी है, तो उसके लिए ये चीज़ सही है। तो यही तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो एक साल का टाइम इन्होंने खींच दिया ना, जो 12 दौर की वार्ता थी ना उसमें ना करना था, उसमें इन्होंने कुछ करा नहीं। तो अब जो ये बीच में हुआ ना, ये इस चीज़ का सरकार पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला, जो ये 700 किसान शहीद हुए और बीच में इतनी चीज़ें झेल ली है किसान ने कि भाई गर्मी, सर्दी, तूफान, आंधी, जो जो भी कुछ हुआ, इस चीज़ को भी भूला नहीं जाने का। एक तरह से ये तो किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, अपने मान सम्मान की थी, तो उसकी जीत होगी, लेकिन ये चीज़ नहीं भूली जाने की जो एक साल तक झेला गया। अब ये हमें क्या नहीं, मतलब जो हम अगर ये बिल लागू हो जाते आज तो हमें बहुत, मतलब इतना चीज़ें झेलनी पड़ जाती कि किसान ख़त्म ही हो जाता है। एक तरह से किसानों की कहीं सुनवाई नहीं होती। इस आंदोलन से युवा को यूँ पता लग गया कि कैसा आंदोलन लड़े जाते हैं, आने वाला समय कैसा है। ठीक है, जो ये इन्हें यही नहीं पता था कि आंदोलन करके भी ऐसे भी कुछ, सरकार का डर ख़त्म हो गया, ठीक है, प्रशासन का डर ख़त्म हो गया, बहुत चीज़ें मिली इस आंदोलन से, तो ऐसी ऐसी चीज़ मिली लोगों को कि आने वाले जो जीवनदान मिल गया एक तरह से किसानों का, सब कुछ होगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ से आंदोलन स्थगित कर दिया तो अब बातचीत नहीं होने की, हर चीज़ पर बातचीत होगी, चीज़ के मुद्दे उठेंगे, हर चीज़ की बातचीत होगी, उस पर भी उठेगा, जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ, हर चीज़ पर होगा, कुछ नहीं बचना क्योंकि भाई इस चीज़ को उठ गया तो कुछ नहीं होने का, कमेटी बन गई, सारी बातचीत होगी, कई किसान पीछे नहीं हटनेगा किसी भी चीज़। हम ऐसा है नहीं, एक साल में जो 700 किसान शहीद हुए उनके घर की जो खुशियाँ ही चली गई, उसका थोड़ी भरपाई कर देगी सरकार। एमएसपी पे बातचीत होगी ना, उसमें लिखा हुआ तो है, एमएसपी का भी पूरा जिक्र उसमें है, एमएसपी पे भी बातचीत आगे होगी, आने वाले टाइम में बातचीत शुरू हुई है, अब ख़त्म नहीं हुई, तो उस चीज़ का भी मुद्दा उठेगा। ये 40 संगठन के जो लोग हैं वो एक ही है, जो उनका मेन था क्या था, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, यही तो था। जब झुक गई, ये बात हो रही है, झुकने की बात थोड़ी है भाई, ये झुकना कहाँ हुआ, किसान क्यों झुकेगा, किसान तो झुका ही नहीं, किसान झुक रहा होता तो आज से एक साल पहले घर चला गया होता, किसान के झुकने की बात कहाँ है, सरकार झुकी, नेशनल टीवी पे आकर माफी किसने मांगी, अरे एक साल से कहाँ थे सरकार, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई सरकार ने माफी मांगी थी। हाँ हाँ, तो उस वक्त साहब ने कहा था कि ये तो हम पे लादे गए थे, वापस हो गए, हमें एमएसपी पे कानून चाहिए। टिकैत साहब ने महाराष्ट्र में कबायली इलाके में पंचायत में ये बात कही थी, एमएसपी की भी पूरी बात होगी, एमएसपी पे कभी कहीं मुद्दा ऐसा नहीं है कि भाई अपने घर चले गए तो सारी चीज खत्म होगी, कुछ खत्म नहीं होने का, आंदोलन के बिना भी हो जाएगा सब कुछ, टेंशन मत लो। लग रहा है कि कमेटी में टिकैत साहब को इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो समझौता नहीं करते, तो टिकैत साहब के बिना भी कमेटी नहीं बनी थी, टिकैत साहब की सहमति से ही तो हुआ होगा सब कुछ, या वे भी तो, उन्होंने भी तो बातचीत करी होगी, उन पांच जो सदस्य के मेंबर बने उनसे बातचीत करके तो बने होंगे, या फिर बिना उसके ही बनेंगे। सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं भाई एमएसपी पे क्या क्या करवाना, एमएसपी का सबसे मेन मुद्दा उसकी खरीदारी कही है कि भाई उस पर उतने उस पर होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, तो उस चीज़ का मुद्दा उसमें जो ड्राफ्ट बन के आया है उसमें उसका जिक्र है कि एमएसपी पे जो कमेटी बनी है उससे आने वाले टाइम में बातचीत होगी, और उस इतनी उस पर बिकने की भी वो कर रखी है कि भाई एमएसपी पे खरीद होगी फसल की, तो उस चीज़ का मुद्दा है, तो बातचीत हो गई तो पता चलेगा ना। बना हुआ ना ड्राफ्ट, एमएसपी पे कानून का ड्राफ्ट बना हुआ है पहले, हाँ हाँ, तो साल पहले से फिर दोबारा कमेटी बनाई, इसका मतलब ये टालने के लिए है ना। अभी तो सरकार है 22 में, तो एक बार 22 तो जान दो, ये पूरे होने तो आगे के मैटर अपने आप सोल्व कर लेंगे, कमेटी बन तो गई, सरकार भी कुछ कर रही है ना, आपको नहीं लगता कि 22 के चुनाव को सरकार भी कर रही तो किसान भी कर रहे। लेकिन टिकैत साहब ने कहा था कि मिशन यूपी चलाएंगे, हम यूपी में जाएंगे, गांव गांव, शहर शहर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि सरकार कैसा काम कर रही है किसानों के लिए, तो अब तो खुद ही पता लग गया लोगों को कि कैसा काम कर रही है सरकार किसानों के लिए, समझ में नहीं आ गया, सारे किसान तो यही है, कौन सा ऐसा किसान है जो यहाँ आंदोलन से नहीं जुड़ा, ये तो पूरे देश का आंदोलन हुआ, इसमें तो सब कुछ पता लग गया किसानों को। जिस तरह से बंगाल गए थे टिकैत साहब, क्या यूपी में जाएंगे, सभा करेंगे? हाँ तो करनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें कुछ यूँ थोड़ी ना कि उससे रिलेटेड, वो तो गाँव गाँव में वैसे भी जाते हैं, तो अब भी जाना चाहिए। और सबके सड़क पर रहना किसे पसंद है, कौन सड़क पर रहता है, सड़क पर रहना किसे पसंद है, सबके घर है, कौन नहीं जाना चाहता अपने घर। आप टिकैत जी की बहू हैं, जैसे मैडम ने बताया कि कड़ी चावल पसंद है,
और उनकी बहन ने बताया था कि लड्डू खिलाएंगी, गुड़ खिलाएंगी, आप क्या खिलाएंगी? बाजरे की रोटी और सरसों का साग, जो उनका फेवरेट रहा मैं तो वही बनाऊंगी। यही मैंने सीखा शादी के बाद, मेरे पे बनाना नहीं आता था, मैं क्योंकि उन्हें इतना पसंद है तो इसलिए वो मैंने सीखा, तो वही बनेगा। एक साल का जो आंदोलन चला है फैमिली में, आपने क्या क्या समस्याएं जब झेली हैं? बहुत झेली है, वो हर चीज़ कैमरे पे नहीं बताई जाती। जब एक परिवार का मुखिया बाहर होता है ना, और जो फैमिली को झेलना पड़ता है वो चीज़, उसका एक्सपीरियंस हमने कर लिया, तो वो चीज़ तो हम यहाँ बता भी नहीं सकते कि क्या हमने क्या क्या झेला, तो उस चीज़ की भरपाई कोई नहीं कर सकता। और वो सबके साथ ही हुआ, हमारे परिवार के नहीं, जितने भी यहाँ किसान भाई आज हैं और अपने परिवार को छोड़ के या अपने परिवार को लेकर सड़क पर है ना, सब ने क्या क्या झेला सबको पता, सब कुछ। आखिरी में मोदी जी से क्या कहना चाहूँगा? आखिरी में मोदी जी से ये कहना चाहूँगी, जो इस एक साल बाद करा ना, अगर कुछ जब 12 दौर की वार्ता हुई थी ना तब कर देते ना, तो आज उनकी कुछ बची कुची रह जाती, अब तो उनकी इतनी भी नहीं है। और ना इस चीज़ की कुछ वो है कि भाई उन्होंने एक साल बाद आकर अपने फायदे के लिए अपना चुनाव आ रहे थे तो कर दिया, अगर उन्हें किसानों का होता ना तो ये 12 दौर की जो वार्ता हुई थी ना उसमें सॉर्ट आउट।